आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के एक सरकारी स्कूल में आयरन की दवा खाने से जहां एक दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे बीमार हो गए, वहीं सभी बीमार बच्चों को आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। मामला कुचायकोट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलबनवा गांव का है। जानकारी के मुताबिक अपग्रेड मिडिल स्कूल बेलबनवा में स्कूली बच्चों को शिक्षक के द्वारा आयरन की दवा का खुराक खिलाया गया। दवा खाने की थोड़ी देर के बाद ही करीब एक दर्जन से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों की बिगड़ते हालत को देखते हुए स्कूल के शिक्षक और स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। हालांकि अब भी सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि ये आयरन की दवा जो बच्चों को खिलाया गया है, ये सरकार द्वारा दिया जाता है। इस दवा को खिलाने के बाद कुछ बच्चों में चक्कर, उल्टी और हल्का पेट में दर्द की शिकायत हुई। बच्चों की तबीयत खराब होने की समस्या होने पर प्रिंसिपल के द्वारा स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीईओ ने कहा कि सभी बच्चे अभी स्वस्थ हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ यूएमएस बेलबनवा है, उसी के बच्चे हैं। आयरन का जो टैबलेट देना था, बच्चों को खिलाना था, वहीं खिलाया गया था इस विद्यालय में। उसके बाद कुछ ही बच्चों को उल्टी होना है, माथा में दर्द और पेट में दर्द हुआ। त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रधानाध्यापक के द्वारा स्थानीय पीएचसी में लाया गया और यहाँ उपचार हो रहा है और सभी बच्चे अच्छे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। बिहार सरकार द्वारा संचालित बाल हृदय सहायता योजना के तहत गोपालगंज जिले के दिल की बीमारी से ग्रसित 6 बच्चों को एम्बुलेंस से पटना भेजा गया, जहां से फ्लाइट के द्वारा इलाज के लिए अहमदाबाद भेजा जाएगा। सदर अस्पताल के सीएस डॉक्टर शशि रंजन ने पीड़ित बच्चों के साथ उनके परिजनों को एम्बुलेंस से रवाना हरी झंडी दिखाकर किया। बिहार सरकार द्वारा राज्य में हृदय की बीमारियों से ग्रसित बच्चों को मुख्य सहायता के लिए बाल हृदय योजना संचालित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत दिल से संबंधित बीमारियों से पीड़ित बच्चों को अतिरिक्त चिकित्सा प्रदान की जाती है। वहीं राज्य स्वास्थ्य समिति की अपर कार्यपालक निदेशक के निर्देशानुसार बाल हृदय योजना अंतर्गत गोपालगंज जिला से चिन्हित कुल 6 बाल हृदय रोगियों को निःशुल्क इलाज के लिए श्री सत्य साई हृदय अस्पताल अहमदाबाद भेजा गया। सदर अस्पताल के सीएस डॉक्टर शशि रंजन ने बताया कि 6 बच्चों को भेजा गया है। इसके पूर्व 28 बच्चों को भेजा गया था, जिनका ऑपरेशन हो चुका है। फिलहाल 15 बच्चे वेटिंग में हैं, जिन्हें बहुत जल्द ही भेजा जाएगा। योजना के अंतर्गत जिन बच्चों को दिल में छेद होता है, उनको IMS से डायग्नोसिस करके इनको अहमदाबाद भेजा जाता है। आज 6 बच्चों को भेजा जा रहा है और पहले 28 बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है और अभी फिलहाल 15 बच्चे वेटिंग में हैं, जिनको भेजना है जब इनकी पारी आएगी। तो ये कहाँ ऑपरेशन होता है सर? ये अहमदाबाद में होता है। यहाँ से ये पटना भेजा जाएगा और पटना से बाई फ्लाइट ये लोग अहमदाबाद जाएंगे। श्री सत्य साई हॉस्पिटल है अहमदाबाद। जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के द्वारा बैकुंठपुर प्रखंड, बरौली प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में जिला पदाधिकारी ने प्रखंड कार्यालय की पूर्णता के लिए विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं की मानक स्थिति का मूल्यांकन किया। उन्होंने सभी विभागों की कार्यप्रणाली और सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। स्थानीय विकास के क्षेत्र में जिला पदाधिकारी ने प्रखंड कार्यालय के द्वारा चलाए जा रहे परियोजनाओं की गुणवत्ता और सफलता की मूल्यांकन किया। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया कि ये परियोजनाएं स्थानीय जनता के हित में प्रभावी रूप से काम कर रही है और लाभ पहुंचा रही है। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने कर्मचारियों की समृद्धि और कार्यक्षमता का भी मूल्यांकन किया और उन्हें सकारात्मक प्रतिपूर्ति के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कर्मचारियों को उनके कार्य में सुधार करने के लिए गुणवत्ता मानकों का पालन करने का सुझाव दिया। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी बैकुंठपुर, बरौली तथा अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि हर रोज जनता दरबार लगाया जाए, साथ ही प्रखंड स्तर पर जितने मामले लंबित है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। गोपालपुर थाना की पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इसके द्वारा हॉर्स फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो गया था और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी नौशेर आलम गोपालपुर थाना क्षेत्र के बरनैया गोकुल का रहने वाला है। अब पुलिस इसके द्वारा दी गई हॉर्स फायरिंग के संदर्भ में अनुसंधान करते हुए इस पर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
माझागढ़ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिपाया खास गांव में दो चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक बाइक चोर अजय कुमार को गिरफ्तार किया है, जो सिपाया खास गांव का निवासी है। पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और आरोपी से इस मोटरसाइकिल के चोरी के संदर्भ में पूछताछ कर रही है, ताकि इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड होल मार्क सोने की चांदी के आभूषण मन चाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान, 1,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपने घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई के संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार तनिष्क रीवा वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा नियर बबुनिया मोड़ सिवान। आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में हाँ, नील कमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्ट वुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा सीसम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, जादूपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम की अध्यक्षता में समरालिक सभा कक्ष गोपालगंज में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से नियमित टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ई संजीवनी कार्यक्रम, यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम एवं फाइलेरिया उन्मुखीकरण कार्यक्रम की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी को संबोधित करते हुए निर्देशित किया गया कि अपने अपने चिकित्सकों के समय से OPD में बैठने हेतु निर्देशित करें, साथ ही साथ सभी मरीजों का जांच प्रातः 8 बजे से प्रारंभ कर दें। जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक एवं प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक को निर्देशित किया गया कि टीकाकरण से सभी छूटे हुए बच्चों का सर्वे आशा कार्यकर्ता के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा थावे के 2, हथुआ के 1 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का राज्य स्तरीय प्रमाणीकरण होने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक को बधाई दी गई। जिला पदाधिकारी के द्वारा उपाधीक्षक सदर अस्पताल गोपालगंज को निर्देशित किया गया कि अस्पताल में फेस स्कैनर कैमरा अधिस्थापित करना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा सत्र नियमित रूप से आयोजित करवाना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी दवा दुकानदारों को अपने स्तर से निर्देशित करें कि टीबी के मरीजों को पोर्टल नोटिफाई किए बिना टीबी की दवा नहीं दें। जिला पदाधिकारी के द्वारा सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया कि जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी गोपालगंज से कारण अपेक्षा करें कि वे अपने कार्य में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं और क्योंकि नियमित टीकाकरण का 95% से कम है। गोपालगंज नगर थाना की पुलिस ने सदर अस्पताल परिसर में टूटा फूटा लोहा, सरिया इत्यादि की चोरी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी पुरानी चौक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके द्वारा अस्पताल परिसर में चल रहे भवन निर्माण कार्यों के दौरान लोहा इत्यादि की चोरी की जा रही थी, तभी इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी विशाल शाह तथा मनी कुमार पांडे बताए जा रहे हैं। बुधवार की सुबह माझागढ़ थाना क्षेत्र के मधुसरिया पैठानपट्टी गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा में कराया गया। घायलों का इलाज प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने किया। बताते चले कि दिलीप यादव और जयप्रकाश यादव के बीच बुधवार की सुबह मारपीट हो गई, जिसमें दिलीप यादव, अंबिका यादव, रामाशंकर यादव, प्रशांत यादव, लखराजो देवी सहित 5 लोग घायल हो गए।
घायल दिलीप यादव ने बताया कि जयप्रकाश यादव ने मेरे पिता से जबरन 2.5 कट्ठा जमीन बैनामा करवा लिए हैं तथा 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहे थे, जिसके विरोध करने पर जयप्रकाश यादव सहित करीब 1.5 दर्जन लोग लाठी डंडे से लैस होकर आए तथा हम लोगों की लाठी डंडे से मारपीट कर जख्मी कर दिए। चिंताजनक स्थिति में बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल गोपालगंज के लिए रेफर कर दिया गया, जहाँ इलाज कराने जा रहा हूँ। घटना की सूचना माझागढ़ थाना में दे दी गई है। घटना की जाँच पुलिस कर रही है। मंगलवार की शाम गश्ती में निकले माझागढ़ थाना के एसआई ललित कुमार ललन को गुप्त सूचना मिला कि माझागढ़ थाना क्षेत्र के सिपा खास गांव के जयप्रकाश महतो के पुत्र अजय कुमार चोरी की मोटरसाइकिल पलानी में छुपा के रखा है। सूचना मिलते ही एएसआई ने अपने दलबल के साथ सिपा खास गांव के अजय कुमार के दरवाजे पर पहुंचते ही पुलिस को देखकर अजय कुमार भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तार कर पलानी की तलाशी लिया तो 2 बाइक चोरी का हीरो स्प्लेंडर और HF हीरो बरामद करते हुए अजय कुमार से पूछताछ करने के बाद FIR दर्ज कर जेल भेज दिया। कटिहार थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सिधरिया पुल के समीप वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराब तस्कर छपरा जिला की बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार पुलिस बल के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे, तभी गुप्त सूचना मिला कि यूपी की तरफ से एक ट्रक से शराब लाई जा रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के सिधरिया पुल के समीप यूपी की तरफ से आने वाले वाहनों की जाँच शुरू कर दी। तभी एक ट्रक आता दिखाई दिया जिस पर 2 लोग सवार थे। शक होने पर ट्रक को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो लगभग 7 लाख रुपए से अधिक की विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने बरामद शराब को एवं ट्रक को जब्त करने के साथ ही गिरफ्तार दोनों तस्करों को थाने लाई और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं गिरफ्तार शराब तस्कर छपरा जिला अंतर्गत बेलदही थाना क्षेत्र के तकिया निवासी धर्मेंद्र कुमार एवं पटरानी खुर्द निवासी अर्जुन माझी बताए जा रहे हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।